बंदर शेर को पटकने के लिए जबरदस्ती खींच कर नानता है, लेकिन शेर को पिटाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बंदर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? स्वागत तो करो हमारा। नहीं नहीं नहीं, बाप रे। लेकिन तभी मिस्टेक से जिराफ का सिस्टम शेर के हाथ में हो जाता है। लेकिन शेर न्यू था इसलिए इसको हैंडल नहीं करने आता, पर थोड़ा दूर एक खाई था। डर के मारे शेर अंधेरी ब्रेक लेता है। इसके कारण शेर लटक चुका था कि तभी नाती के बेटा, लेकिन एक इतना वजन संभाल नहीं पता। नहीं, नहीं, नहीं। शेर जिराफ के एक पैर से जा चुका था। कड़ी मेहनत के बाद फिर से एक बोट चीपता है। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ए बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। साले कुत्ते! पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर, ए तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को दो भागों में अलग कर देता है। लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। भाग गया सर। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। एक सेकंड। हे प्रभु, हे प्रभु। बाप रे। एक मेढक के चलते ए सब हाल हुआ था, लेकिन अब दोनों सैकड़ों मेढकों के बिच गए हैं और दोनों अलग अलग छिप गए। कल वाले बादल के लिए दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन तभी लोमड़ा एक बड़ा मेढक को नान कर पिचकाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ए पिचकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं पर शेर एक ही बार में चार चार मेढकों को छोड़ता है, जिसके चलते पत्थर दलक जाता है। पानी, पानी, पानी। इससे मेढक पचक चुका था, इसीलिए लोमड़ा जल्दी से भागकर शेर के पास छिपता है। वैसे ही पत्थर क्या हो रहा भाई? अरे दादा रे। लेकिन पत्थर दोनों को नीचे ले जाकर ऊपर नीचे करने लगता है। मुन्ना है, मुन्ना, मुन्ना। शेर अपनी माल हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम। शेर पीती लोग से हार रहा था, इसीलिए अपनी औकात इन लोगों को देखा देता है, लेकिन बहुत दौड़ने के कारण एक कौवा का हवा टाइट हो चुका था। इधर सुअर शेर को बहुत परेशान करता है और एक टूटे हुए लकड़ी में घुस जाता है, लेकिन पीछे से शेर बेचारा हिरण को कुछ समझ में नहीं आया। शेर इसको आगे की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे खाई था, इसीलिए सुअर अपनी ब्रेक लेता है। पर दोनों एक पत्थर के बीचों बीच फंस चुके थे, लेकिन शेर अपनी पावर देखा देता है। नहीं, 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 नहीं। दोनों एक फाटक के बीच रुक चुके थे, लेकिन तभी शेर ऊपर खिलते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। इसके टकराने की वजह से दो और पत्थर गिर जाते हैं, पर शेर सुअर के टंकल पूंछ पर गिरा। सुअर कैरेक्ट लाइन पर होने की वजह से बाहर निकल जाता है। दोनों माल को मिस करके टीवी देखने में लग जाते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक शेर और लोमड़ा मिलकर एक हिरण को काम तमाम कर दिए। ये सब देखकर इन दोनों भी सोच लिए कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों छिपते हुए जाते हैं, पर हिरण देखते ही दोनों सलाह करके पकड़ने जाते हैं। लेकिन शेर बिल्कुल टीवी वाला शेर की तरह हमला करता है। माल बहक चुका था, इसलिए फिर से टीवी देखने आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बगल में हिरण साठ चाचा का नींद तोड़ दिया, इसलिए साले कुत्ते! बाप रे! भाग गया से! पीटने के बाद भी टीवी साथ में ही था, लेकिन इन लोग टीवी देखने के चक्कर में हे प्रभु, हे प्रभु, हे। दोनों एक पत्थर पर गिरते हैं, लेकिन टीवी इनके सिर में गिरा हुआ था, इसलिए जंगल के सारे जानवर मुफ्त में तमाशा देखने आने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या माले यार। प्यासा शेर पानी पी रहा था, लेकिन एक गेंडा शेर को गलत नजरों से देखते ही जा रहा था और इसको रहा नहीं गया, सामने आकर के कौन है तू? बाबू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। शेर अब पागलों की तरह हरकत करने लगा, पर गेंडा कुछ और ही समझकर बाप रे बाबू। शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बाबू शेर इससे तंग होकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर गेंडा वहाँ से भी नीचे गिराकर उसी पर दादा रे। फिर शेर वहाँ से भी भागकर एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेंडा वहाँ पर भी हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम। बेचारा शेर बहुत तंग होकर बाहर निकलता है तो ये भगवान क्या भाई? ये शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेबरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जेबरा दहाड़ता है तो भाई क्या हो रहा? भाई, क्या हो रहा? भाई?
पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेब्रा को भनक लग गया था, इसलिए जेब्रा अपना काम करके चला जाता है। लेकिन शेर का म्याज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेब्रा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर शेर अपने माल का मैच देख रहा होता है।